हाथरस की बिटिया की मौत से पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को कोसते हुए सियासी दल भी सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन योगी सरकार पिछले सरकार की तुलना में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाओं में कमी का आंकड़ा पेश कर रही है। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। उधर समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस हाथरस के बहाने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। हाथरस में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली, कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 में नहीं हूँ मैं, 140 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए इंसाफ की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर हादसे के बाद ही हमारी नींद खुलती है? हम ऐसा समाज क्यों नहीं बना पा रहे हैं जहां बेटियां खुलकर सांस ले सके? आखिर हम बेटियों को इंसान होने का हक देने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट।